गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम दूड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज, चक पांचवी एलम, श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज बीए फाइनल ईयर हिस्ट्री फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक मिलेगा वह है सांप्रदायिकता, राजनीति का विकास। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले सांप्रदायिकता राजनीति की पृष्ठभूमि, तो 18वीं शताब्दी में मुसलमानों के उत्थान के लिए अरब में वहाबी नामक आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सईद अहमद बरेलवी ने इस आंदोलन को भारत में भी फैलाया था। इस आंदोलन ने मुसलमान मानों में दोबारा कट्टरता की लहर उत्पन्न की थी, लेकिन अंग्रेजों ने इस आंदोलन को निर्दयतापूर्वक कुचल दिया था। भारत में 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह की सारी जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के ऊपर ही डाल दी थी। प्रमुख रूप से वहाबी आंदोलन मुसलमानों के ऊपर की क्रांति की जिम्मेदारी डाल दी थी। परिणाम स्वरूप मुसलमानों के प्रति अंग्रेजों का रवैया और अधिक सख्त हो गया था और हिंदुओं के प्रति अपेक्षाकृत यह नरम रहा था। हिंदुओं ने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर अंग्रेजी शिक्षा की ओर ध्यान दिया था और सरकारी पदों को प्राप्त करने की ओर ध्यान दिया। इस प्रकार मुसलमान आर्थिक, शैक्षिक और प्रशासनिक दृष्टि से हिंदुओं के मुकाबले पिछड़ गई थी। आर्थिक पिछड़ेपन के अतिरिक्त सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों की मुसलमानों के प्रति हमदर्दी प्राप्त करने के लिए हिंदू तथा हिंदू बहुमत की सांप्रदायिक राजनीति की नींव डाल दी थी। मुसलमानों ने आर्थिक, शैक्षिक पिछड़ेपन सर सैयद खां की सांप्रदायिक राजनीति को प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सांप्रदायिक राजनीतिक उद्यम के लिए एक अन्य तत्व जिम्मेदार रहा था। अंग्रेजों की भारतीयों के प्रति फूट डालो और शासन करो की नीति, बंगाल का विभाजन 1905 और मुस्लिम समुदाय को हिंदुओं के विरुद्ध प्रोत्साहन देकर राष्ट्रीय आंदोलन के मार्ग में बाधा उत्पन्न की थी। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सांप्रदायिक राजनीति के विकास में प्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों के असंतोष, अलीगढ़ आंदोलन, वहाबी आंदोलन और अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति ने पृष्ठभूमि निभाई थी। दूसरे अन्य कारण भी अप्रत्यक्ष रूप से इस अवलंबनों का सहारा पाकर उद्दीपित हुए थे। तो आइए हम देखते हैं भारत में सांप्रदायिक राजनीति व मुस्लिम लीग के उदय होने के क्या कारण थे। भारत में सांप्रदायिक राजनीति मुस्लिम लीग के उदय होने के कारण
भारत में सांप्रदायिक राजनीति में मुस्लिम लीग के उदय होने के कारण तो नंबर एक है मुसलमानों में असंतोष की भावना, मुसलमानों में असंतोष की भावना भारत में सांप्रदायिक राजनीति उदय का एक मुख्य कारण माना जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के पश्चात ही मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में स्थिति जो थी काफी दयनीय हो गई थी। प्रारंभ में अंग्रेजों ने ऐसी नीतियों का अनुसरण किया था जिससे मुसलमानों की शक्ति और प्रभाव कम हो जाए। अंग्रेजी शिक्षा के प्रति अरुचि होने के कारण ही मुसलमान सरकारी नौकरियों से वंचित हो गए थे। वह सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में मुस्लिम वर्ग असमर्थ रहा। उद्योग धंधों व्यापार वाणिज्य में भी हिंदुओं का ही बोलबाला था, अतः मुसलमानों की जो आर्थिक स्थिति थी इस समय काफी दयनीय बनी हुई थी। अंग्रेजी शिक्षा के कारण उनकी शिक्षा पद्धति अरबी और फारसी भी नष्ट हो गई थी जिससे उनकी सांस्कृतिक प्रगति भी अब अवरुद्ध होती जा रही थी। तो इस प्रकार मुसलमानों में शैक्षिक पिछड़ापन और आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़ापन सांप्रदायिक राजनीति का एक कारण बना था। अतः सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से मुसलमानों का पतन हो रहा था जिससे उनमें तीव्र आक्रोश की भावना फैल चुकी थी। नंबर दो है वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन भी भारत में सांप्रदायिकता राजनीति विकास का उदय का कारण रहा था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अरब देशों में वहाबी आंदोलन शुरू हुआ था जिसका उद्देश्य इस्लाम की कमजोरियों को दूर कर मुसलमानों में नवीन चेतना जागृत करना था। भारत में इस आंदोलन का सूत्रपात सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा किया गया था। यह आंदोलन यद्यपि इस्लाम धर्म को कुरीतियों से मुक्ति दिलाने के लिए शुरू किया गया था परंतु शीघ्र ही यह क्रांतिकारी बन गया था। वहाबियों ने सिखों एवं ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध जिहाद धर्म युद्ध छेड़ दिया था। यद्यपि अंग्रेजों ने बड़ी निर्दयता पूर्वक इसे कुचल दिया था परंतु इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप मुसलमानों में जन जागृति उत्पन्न हुई थी और उनमें सांप्रदायिक चेतना का विकास हुआ था। वह नहीं दब सका। हंटर के अनुसार वहाबी आंदोलन भारत का एक महान धार्मिक आंदोलन था। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन तथा सर सैयद खान का प्रभाव। अलीगढ़ आंदोलन तथा सर सैयद का प्रभाव। सर सैयद खान का प्रभाव अलीगढ़ आंदोलन तथा सर सैयद खां का प्रभाव। ब्रिटिश शासक यह समझते थे कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मुसलमानों के कारण हुआ था। सर जॉन ने कहा था कि विद्रोह के मुख्य संचालक मुसलमान ही थे।
इसलिए अंग्रेजों का जो रवैया था मुसलमानों के प्रति कठोर रहा था, परंतु अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख नेता सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों को विश्वास दिलाया कि 1857 की क्रांति की जिम्मेदारी मुसलमानों की नहीं है और मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध भी नहीं है। सर सैयद अहमद खान ने खान मानते थे कि यदि मुसलमानों को प्रगति करनी है तो उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसी उद्देश्य से ही इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की नींव डाली थी, जो बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ आंदोलन का केंद्र बन गई थी। उन्होंने 1877 में लॉर्ड लिटन को एक मांग पत्र देते हुए कहा था कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की नींव रखने का उद्देश्य यह है कि पूर्वी ज्ञान का पश्चिमी साहित्य और विज्ञान में मेल किया जाए, मुसलमानों को ब्रिटिश ताज की उपयोगी प्रजा बनाया जाए और उनमें ऐसी राजभक्ति उत्पन्न की जाए जो दीनता और दासता के कारण नहीं बल्कि अंग्रेजों के अच्छे शासन से प्राप्त होने वाले सुखों की वास्तविक स्तुति के कारण उत्पन्न हो पाए। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति उत्पन्न रखने के लिए राजभक्त मुसलमान नामक पत्र भी प्रकाशित शुरू किया था। उन्होंने अपने लेखों द्वारा मुसलमान और अंग्रेजों के बीच उत्पन्न कटुता को दूर करने का भी प्रयास किया था। तो इस प्रकार अलीगढ़ आंदोलन और सर सैयद अहमद खान के प्रभाव से भारत में राजनीतिक सांप्रदायिकता का विकास उत्पन्न हुआ था। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने बनारस के राज विश्व प्रसाद से मिलकर देशभक्ति एसोसिएशन की स्थापना की थी। यह संस्था अत्यंत प्रतिक्रियावादी थी और कांग्रेस के प्रगतिशील विचारों का हर संभव तरीके से विरोध करती थी। 1893 में इन्होंने सरकार की सक्रिय सहायता से मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डेफिनेस एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य यह था कि मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति राज भक्ति और वफादार की भावना उत्पन्न की जाए और ब्रिटिश शासन को दृढ़ता प्रदान की जाए। इस प्रकार अलीगढ़ आंदोलन ने मुसलमानों में सांप्रदायिकता की विचारधारा के उदय में अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। प्रत्यक्ष शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भारतीय पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई थी। अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। एक और हिंदू ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, बंबई में दयानंद कॉलेज और बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो दूसरी ओर मुसलमानों ने देवबंद में दारुल उलूम एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। अलीगढ़ विश्वविद्यालयों ने मुसलमान नवयुवकों में सांप्रदायिकता की भावना उत्पन्न करने में योगदान दिया था। अलीगढ़ विश्वविद्यालय मुसलमानों के हितों की रक्षा के प्रति सजग रहा,
जब उत्तरी पश्चिमी प्रांत के गवर्नर ने 1900 में एक प्रस्ताव पारित करके यह घोषित किया कि प्रांत में स्थानीय न्यायालयों में उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं का प्रयोग हो सकता था, तो अलीगढ़ कॉलेज ने विद्यार्थियों के इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया था। तो इस प्रकार पृथक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भारतीय राजनीतिक सांप्रदायिकता के विकास में उत्तरदायी ठहराई जाती है। नेक्स्ट है हिंदू धार्मिक आंदोलन का प्रभाव। हिंदू धार्मिक आंदोलन का प्रभाव। हिंदू धार्मिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही भारत में सांप्रदायिक राजनीति का विकास हुआ था। इनमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आंदोलन उल्लेखनीय है। इसके अलावा तिलक जी ने हिंदुओं में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार करने के लिए गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव आयोजित किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लोटों का नारा दिया था और शुद्धि आंदोलन का सूत्रपात किया था। इससे मुस्लिम वर्ग में चिंता हुई और इन्होंने अपने पृथक संगठन बनाने शुरू कर दिए। अलीगढ़ आंदोलन, वहाबी आंदोलन, अहमदिया आंदोलन ने मुसलमानों में धार्मिक जोश की भावना उत्पन्न की थी और उनमें सांप्रदायिकता चेतना का विकास किया था। इस प्रकार इन आंदोलनों से दोनों संप्रदायों के बीच धार्मिक कटुता की भावना उत्पन्न हो गई थी। नेक्स्ट है थियोडोर ग्रैग की भूमिका। थियोडोर ग्रैग की भूमिका भारतीय मुसलमानों में सांप्रदायिकता की भावना का प्रसार करने में थियोडोर ग्रैग की भी मुख्य भूमिका रही है। यह अलीगढ़ कॉलेज का अंग्रेज प्रिंसिपल था। उसने मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रखने का ही प्रयास किया। बैग के प्रभाव के कारण ही सर सैयद अहमद खान राष्ट्रवादी मुसलमानों से प्रतिक्रियावादी व्यक्ति बन गए थे। बैग ने ही उसके मस्तिष्क में इन विचारों को संचारित किया था। जहां आंग्ल मुस्लिम मैत्री से मुसलमानों की रक्षा में सुधार होगा, वहां राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल होने पर इन्हें पसीना, श्रम और आंसू ही बहाने होंगे। प्रिंसिपल बैग ने मुस्लिम सांप्रदायिकता को उत्तेजित करने और हिंदू मुसलमानों में फूट डालने का ही प्रयास किया था। उसने मुसलमानों को भड़काते हुए कहा था कि हिंदू बहुमत के अधीन कदापि नहीं रहना चाहिए। बैग के प्रभाव के कारण ही सर सैयद अहमद खान कांग्रेस में शामिल ही नहीं हुए और इन्होंने मुसलमानों को भी इनसे दूर रहने की प्रेरणा दी थी। बैग के उकसाए जाने के कारण ही सर सैयद अहमद खान ने प्रतिनिधात्मक शासन की मांग का विरोध किया था, क्योंकि इस प्रकार के शासन में बहुमत शासन अर्थात हिंदुओं के शासन के स्थापित होने की संभावना अधिक थी। अतः थियोडोर बैग ने भी सांप्रदायिकता राजनीति के विकास में अपना मुख्य योगदान दिया था। थियोडोर बैग जो कि अलीगढ़ कॉलेज का अंग्रेज
प्रिंसिपल थे। नेक्स्ट है फूल डालो राज करो की लिपि। इसी प्रकार अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के परिणाम स्वरूप भी भारत में सांप्रदायिकता राजनीति का विकास हुआ था। तो अंग्रेजों की बढ़ती हुई राजनैतिक गतिविधियों और भारतीय राष्ट्रवाद के प्रबल वेग के दमन के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने का निश्चय किया था। अंग्रेजों ने इसके अंतर्गत भारतीयों और मुसलमानों में फूट डालने का प्रयास किया था और शुरू में अंग्रेजों ने मुस्लिम विरोधी नीति अपनाते हुए मुसलमानों को सैनिक और नागरिक पदों से दूर रखा और हिंदुओं के प्रति पक्षपातपूर्ण नीति अपनाई थी। परंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में ब्रिटिश सरकार ने की नीति जो थी हिंदुओं के विरुद्ध होती चली गई। इससे मुस्लिम सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिला और वे अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए अब अलग संगठन के निर्माण की योजना बनाने लगे थे। तो इस प्रकार अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की नीति के परिणाम स्वरूप ही भारत में सांप्रदायिकता राजनीति का विकास हुआ अर्थात मुस्लिम लीग का उदय हुआ। इसी प्रकार बंगाल विभाजन 1905 लाल कर्जन एक घोर प्रतिक्रियावादी नीति का समर्थक था। अतः वह बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद और हिंदू मुस्लिम एकता पर प्रहार करने के लिए कटिबद्ध था। अतः उसने हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने का प्रयास किया और उसने बंगाल विभाजन की योजना बनाई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना को विधिवत उद्घाटन किया गया। उसने पूर्वी बंगाल का दौरा किया और मुसलमानों की सभाओं को संबोधित करते हुए उन्हें बताया कि इस विभाजन का उद्देश्य मुस्लिम हितों की पूर्ति करना है। इससे मुस्लिम सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिला। पूर्वी बंगाल और असम के गवर्नर सर बैम्बिनफील्ड फुलर ने कहा था, मेरी दो पत्नियां हैं, एक हिंदू और दूसरी मुस्लिम, परंतु मुस्लिम पत्नी मुझे अधिक प्रिय है। इस तरह धर्म के आधार पर पृथक मुस्लिम प्रांत का निर्माण अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का परिचायक माना जाता है। इससे भारत में सांप्रदायिकता राजनीति का उदय हुआ था। इसी प्रकार 1901 का लखनऊ सम्मेलन सांप्रदायिकता राजनीति का कारण माना जाता है। लखनऊ सम्मेलन 1901 का तो इसी प्रकार 1901 में लखनऊ में उत्तरी भारत के मुसलमान नेताओं का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में सर सैयद अहमद खां की नीति का समर्थन किया गया। इस नीति को स्पष्ट करते हुए निश्चित किया गया कि मुसलमानों के हित अनिवार्य हैं और ये अंग्रेजी राज्य के साथ ही जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें चाहिए कि वे एक ऐसी संस्था को स्थापित करें जिससे उनके प्रतिष्ठित और सम्मानित सदस्य शामिल हो पाए।
और यह संस्था ही अंग्रेजों के समक्ष मुस्लिम संप्रदायों की हितों का प्रतिनिधित्व करे। यद्यपि यह निर्णय 1901 में लिया गया था, किंतु इसके क्रियान्वित करने के लिए कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाए गए थे। 1902-3 में राजनीतिक संगठन की आवश्यकता पर चर्चा की गई थी और अंग्रेजों के प्रति भक्ति और निष्ठा की आवश्यकता प्रतिष्ठित की गई। 1904 में कर्जन का दृष्टिकोण भी औचित्यपूर्ण बताया गया था, क्योंकि कांग्रेस के नेता कर्जन के कट्टु आलोचक थे। 1905 में बंगाल विभाजन के प्रश्न पर अलीगढ़ नेताओं ने सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन किया। नेक्स्ट है शिमला शिष्टमंडल। शिमला शिष्टमंडल अलीगढ़ आंदोलन के नेता काफी दिनों से मुसलमानों के पृथक हितों के लिए राजनीतिक संगठन के निर्माण की आवश्यकता प्रतिपादित कर रहे थे। सरकार के प्रोत्साहन से 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों ने एक शिष्टमंडल ने सर आगा खान के नेतृत्व में शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से भेंट की। इस शिष्टमंडल ने वायसराय के समक्ष एक स्मृति पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी मांगें निम्नलिखित थी। पहली मांग थी, सरकारी सेवाओं में मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। 2, नगर पालिका जिला बोर्डों की परिषदों विश्वविद्यालयों की सिनिकेटर्स और सीनेटर्स में मुसलमानों के लिए अलग से स्थान सुरक्षित किए जाए। 3, विधान मंडलों में मुसलमानों को उनकी आबादी से अधिक स्थान प्रदान किए जाए। नेक्स्ट है मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था की जाए। इस प्रकार लॉर्ड मिंटो ने शिष्टमंडल के प्रति बड़ा सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण बनाया था। उसने मुसलमानों की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को सहज स्वीकार कर लिया और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके राजनीतिक हितों की पूर्ण रूप से रक्षा की जाएगी। तो इस प्रकार उपयुक्त कारणों से सम्मिलित योजना से 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। इस प्रकार भारत में सांप्रदायिक राजनीति का विकास अर्थात मुस्लिम लीग 1906 में स्थापित किया गया था, उसके कारण निम्न लिखित रहे थे। इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें।